जब 100 दिन का आंकड़ा पार हुआ मोदी जी का थर्ड टाइम का, तो बोलने लायक तो कुछ नहीं है। सब जगह पे निराश हताशा ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दे हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दे हो, चाहे वो देश का अर्थव्यवस्था का मुद्दे हो, सभी मुद्दे पे ये बिल्कुल नाकामयाब रहा। तो आम जनता का दृष्टि भड़कने के लिए इनका कुछ चमचे लोग, उन्हीं का स्टेटमेंट है ये, कोई कहता है कि 11 लाख रुपए देंगे अगर कोई राहुल जी का जीप काट के दे देते हैं, कोई कहता है कि राहुल गांधी जी एक्सट्रीमिस्ट है, उल्टा सीधा बहुत सारा अपप्रचार देश भर चल रहा है। तो ये जितना भी चीज है, आज हमारा अध्यक्ष जी ने एक FIR डाला कि ये बहुत बुरा असर हमारे यहाँ पे पड़ रहा है, और आप सबको सभी लोग जानते हो कि BJP इज ए पार्टी ऑफ गूंस, BJP इज एन एलियन पार्टी हैविंग नो आइडियोलॉजी ऑफ इट्स ओन अदर देन हिंदुत्व, सो कॉल्ड हिंदुत्व। सब पॉलिटिकल पार्टी को पैसे के लालच दे के तोड़ फोड़ के इनको एक पार्टी बनाया जिसका नाम है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी, और भारत आजकल तो जल रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो मणिपुर हमारा पड़ोस का मणिपुर हो, चाइना देश का इतना सारा एग्रेशन के माफिक हमारा जमी हड़प लिया, तो 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री अब बोलती बंद हो गया, तो अभी क्या कहेंगे। उल्टा सीधा कह के आम जनता का दृष्टि भड़कने के लिए ये सब मुद्दा उठा रहा है, तो ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। तो इस अन्याय के खिलाफ हम लोग आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने पश्चिम कोतवाल में एक केस डाला है, FIR किया है, और हमें आश्वासन दिया गया है उसी की तरफ से शाम तक, ये हमको रिसीव कॉपी भी दे दिया, शाम तक ये रजिस्टर हो जाएगा। अगर रजिस्टर ना होते क्यों नहीं होगा, अगर रजिस्टर ना हुआ है तो हम ज़रूर आने वाले दिन में जबरदस्त कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करेंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई किसी का आपत्तिजनक स्टेटमेंट से राहुल गांधी का कुछ आता जाता नहीं, हम राहुल जी के साथ दीवार की चट्टान की तरफ खड़े हैं, तो देश का जनता खड़े हैं, और देश का असली मुद्दे से हमारा नज़र किसी भी तरह से ये लोग जो कोशिश करें भटकने का वो हम नहीं भटकेंगे, हम उसी मुद्दे पे हम आगे काम करेंगे और चलेंगे। सर, देखा गया है इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उनका भी हत्या हुआ है, तो ये जो बात वो लोग बोल रहे हैं इससे राहुल गांधी को थ्रेट नहीं है, आपको क्या लगता है? जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है क्या कर सकता है, देश का जनता का प्यार आशीर्वाद मोहब्बत इनके साथ है, कोई राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर राहुल गांधी इज मोर ए सेंट, उनका आत्मा महात्मा इज मोर ए सेंट देन ए पॉलिटिकल लीडर। तो यही जनता अब आने वाले दिन में फैसला करना है कि एक अनपढ़ को प्रधानमंत्री बरकरार रखे या एक पुण्य आत्मा को सेंट जो है जो जनता का भलाई चाहते हैं, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो SC हो, सबको लेके हम राहुल जी चलना चाहते हैं और देश को आगे पढ़ा। जब 2014 साल में जब मनमोहन सिंह था, हमारा हंगर इंडेक्स में हमारा देश का स्थान 55 था, अभी इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा राय लेकर, जनता का राय लेकर आया, अभी हमारा हंगर इंडेक्स 111वें स्थान पे हम लोग पहुंचे, इससे आपको पता चलता है देश किस आधार पे कैसा चल रहा है। सर, दूसरी एक बात है, त्रिपुरा का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसा है? वो 23 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, उस दिन वो सब मुद्दे उठाएंगे। और 11वें भी करेंगे आप? हेडक्वार्टर 11वें? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हाँ, हमारा कार्यक्रम वही है।